अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हाज़र हैं एक नए नुस्खे के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का मौजू मेरी उन माओं और बहनों के लिए जो लकोरी की वजह से परेशान होती हैं और मन ही मन में ना किसी को बता पाती हैं ना किसी से बात कर पाती हैं। मैं उन अपनी बहनों, बेटियों और माओं के लिए ये स्पेशली नुस्खा बता रहा हूँ। बहुत ही परफेक्ट और सिंपल सी तीन चीज़ें हैं। कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, कोई ना मिलने वाली चीज़ें नहीं है। हर जगह से मिल सकती हैं, जहाँ से मर्ज़ी लेके आप तैयार करवा सकते हैं। और इसके मुतलक सबसे मेन जो अहम चीज़ है वो मैं अब बहनों को बताना चाहता हूँ कि आप अपने खाने पीने में थोड़ी सी चेंजिंग लाएं। ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें इनसे अवॉइड करें। इनकी ही वजह से ये मसला ज़्यादातर होता है। और अगर इन चीज़ों से थोड़ा परहेज़ रखें, गर्म तली हुई चीज़ों से परहेज़ रखें और साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और इंशाल्लाह साथ ये दवाई यूज़ करें जो मैं अभी आपको नुस्खा बताने वाला हूँ, तो अल्लाह के फजल व करम से लकोरिए की शिकायत आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 दिन में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन आपने करना क्या है, अगर बहुत पुराना मसला है तो ये आपने मुसलसल 3 हफ्ते 21 दिन आपने लगातार खाना है। अगर 6 माह, 5 माह, 3 माह, 2 माह है, फिर 15 दिन बहुत पुराना है, साथ परहेज़ भी रखना है और ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। नुस्खा नोट फरमा लें और ये जब आप लें इसको अच्छी तरह खुशक करें, घर में धूप लगवाएं, सुखा के फिर किसी भी पंसारी की दुकान पे ले जाएं या घर में अगर सहूलत है तो घर में पीस लें। पीस के आपने करना क्या है, इसको खाना है सुबह शाम पानी के साथ। एक छोटा चाय वाला चम्मच सुबह लेना है खाने से आधा घंटा पहले, और असर टाइम आपने फिर लेना है चाय का छोटा चम्मच पानी के साथ। अगर दूध मिले तो ज़्यादा बेहतर है, रात को आप दूध ले लें साथ। तो नुस्खा नोट फरमा लें, 3 चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है। सबसे पहले लेना है आपने अनार का छिलका, उसके बाद आपने लेना है माजू फल। कोशिश करें सराख के बग़ैर हो, सराख वाला ना हो, सराख के बग़ैर। तीसरी जो चीज़ है वो कचूर या सफ़ेद हल्दी। कचूर कहेंगे ना तो पंसारी समझेगा नर कचूर, अच्छी साफ़ सुथरी मोटी गंडी लेके। और लेना कितना कितना है ये हम वज़न लेनी है तीनों चीज़ें। कोशिश करें 50 ग्राम फी कस ले लें या इससे ज़्यादा ले लें, इससे कम ना लें, क्वांटिटी कम बनेगी और दवाई फिर आपकी पूरी क्वांटिटी में नहीं आएगी। बहुत सस्ती चीज़ें हैं, कोई महंगी नहीं है। मैं आपको अभी कैलकुलेशन करके बता सकता हूँ ये कितने की बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 120 का नुस्खा है ये, इससे ज़्यादा नहीं है, 100-120 बस। आपने करना क्या है, जो मैंने आपको परहेज़ बताया है ये करना है। और अभी आगे मौसम बहुत अच्छा आ रहा है इसको खाने का। बाहर भी जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे। बहुत कार आमद और आम सी चीज़ें हैं। लोग समझते हैं ये क्या है, डॉक्टर ऐसी चीज़ें या हकीम ऐसी कोई प्रोफाइल कभी नहीं बताते। वो ऐसे नुस्खे डायरियों में लिख लिख के लोगों को दे दे के पैसे ले ले के चलते रहते हैं। लेकिन मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया था, मेरा अपना दवाखाना है। उसके साथ साथ जो भी मैं आपको नुस्खा बताता हूँ परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अजमुद्दा नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। जो भी बताता हूँ ये तजर्बा शुदा मुजर्रब अजमुद्दा, जो पहले मैं इस पर पूरी मेहनत के बाद लोगों को बना के दे के उसका रिज़ल्ट लेके फिर मैं आपके सामने हाज़िर होता हूँ। और इसलिए दोस्तों और बहनों और बेटियों भाइयों, इस नुस्खे को आम नहीं समझना,
इन चीज़ों को लेके आप बनवाएं, बनवा के खाएं और दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।